सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस के 18 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाटला हाउस को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त के दिन रिलीज किया गया था और इस फिल्म का क्लेश हुआ था सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल के साथ। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 स्क्रीन्स मिल चुकी थी, इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और काफी शानदार कमाई की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी अच्छा रिव्यूज ऑडियंस की तरफ से मिले हैं और काफी अच्छे रेटिंग्स मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 15,55,00,000 रुपए की कमाई की, जो कि जॉन अब्राहम के करियर की सेकंड बेस्ट ओपनिंग थी। फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 48 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, जो की एक तरह से क्लेश होने के बाद काफी अच्छा कलेक्शन था। वही दोस्तों फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने कमाए थे 65,84,00,000 रुपए। बताया दोस्तों आपको की ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के बाद और जॉन अब्राहम की काफी अच्छी एक्टिंग के बाद इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी काफी अच्छी कमाई की और इस फिल्म का जो सेकंड वीक का टोटल कलेक्शन था वो रहा था 25,92,00,000 रुपए का। थर्ड वीक में दोस्तों यहां पर साहो के रिलीज होने के बाद बाटला हाउस की जो स्क्रीन है वो काफी कम कर दी गई और दोस्तों अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 400 से 500 स्क्रीन पर चल रही है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने 16वें दिन कमाए 70,00,000 रुपए। 17वें दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 1,50,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों 18वें दिन के कलेक्शन इस फिल्म के रहे हैं 2,20,00,000 रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अपने 18 दिनों का हो चुका था 96,16,00,000 रुपए का। बता दे चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार जॉन अब्राहम की ये फिल्म उनके कैरियर की सोलो हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। इससे ज्यादा कमाई उनकी फिल्म रेस 2 ने की है और दोस्तों अब ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों मात्र 60 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आने वाले एक या दो ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 130 करोड़ की कमाई करके हो चुकी होगी सुपरहिट। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या सुपरस्टार जॉन अब्राहम की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर पाएगी, 140 करोड़ या फिर 150 करोड़? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय